की मौत का हमें बहुत पछतावा है। वैसे आपकी जो चहेती बीवी है ना, उसने जो हमें घर से बाहर निकलने की धमकी दी थी, वो हमें कहीं ना कहीं बहुत परेशान कर गई। वैसे ससुर जी, आपने हमारे साथ भी कम गलत नहीं किया। आदर्श भाई की मौत में आप भी बराबर के जिम्मेदार हैं। पूछे कैसे? पहले तो आपने हमसे वादा किया कि हमारा घर खरीदने में आप हमारी मदद करेंगे, उसके बाद आप नई बातों से पलट गए। सब आपकी वजह से हुआ है, वरना आज आदर्श भाई जिंदा होते। अब आपके पास हमें अपना वारिस बनाने के अलावा कोई चारा नहीं। प्रतिज्ञा दीदी, इस दुख की घड़ी में आप अपना परिवार छोड़ के यहाँ ही, हमको बहुत अच्छा लगा। आदर्श आपके भाई थे, इस दुख में शरीक होने का सबसे पहला हक तो आप ही का है। सब मिल बांट के इस दुख को आसानी से हल्का कर पाएंगे। प्रतिज्ञा दीदी, हमको तो लगता है कि अब आपको हमेशा हमेशा के लिए अपने ससुराल को छोड़कर यहीं आ जाना चाहिए। पता नहीं कृष्णा और उसके परिवार वाले अब बाकी लोगों के साथ क्या करेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो वैसे भी थोड़े दिनों में अब कृष्णा को आदर्श भाई के खून के सिलसिले में फांसी हो जाएगी, फिर आप ससुराल में रहकर क्या करेंगे? आपको यहीं चले आना। क्या बकवास कर रहे हो तन्मय? कृष्णा ने आदर्श भैया का खून नहीं किया है, वो बेगुनाह है। तो देखिए दीदी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? आप कैसे कह सकती हैं वो बेगुनाह है? अरे सब जानते हैं वो कैसे गुस्से में अपने हाथ में बंदूक लेके आदर्श भाई को मारने आया था। यहाँ सर पे खून सवार था उसके, इसीलिए तो आदर्श भाई यहां से भागे थे। लेकिन आखिरकार उसने आदर्श भाई को ढूंढकर इतनी बेरहमी से मारा, इतने सारे गवाहों के सामने कृष्णा भाई को अरेस्ट किया पुलिस ने, और आप कह रहे हैं कि कृष्णा बेगुनाह है? लोग चाहे जो कहे, दुनिया चाहे जो सच दिखाए, हमें उन सब पर विश्वास नहीं है। हमें अपने कृष्णा पर पूरा भरोसा है, वो कभी हमसे झूठ नहीं बोल सकता। कृष्णा ने आदर्श भैया की जान नहीं ली तन में। हमारा बेटा मरा है, हमारा बेटा मरा है, हमारा। हमारे जवान बेटे को हमसे छीन लिया गया है, और यहां पर ये सब लोग हमारे बेटे को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, हमारे गम में शरीक होने के लिए आए हैं। लेकिन तुम्हें देखकर, तुम्हें सुनकर ऐसा लगता है जैसे कि तुम ये साबित करने के लिए यहां पर आई हो कि तुम्हारा पति निर्दोष है। यही साबित करना चाहती हो ना तुम? तुम्हारे भाई के जाने का तुम्हें कोई गम नहीं है, चिंता है तो सिर्फ इस बात की कि किस तरह तुम्हारे पति को बेकसूर साबित किया जाए। गलतफहमी हो रही है, हमारे बारे में ऐसा कैसे कह सकते? बहस नहीं, कोई बहस नहीं, निकल जाओ हमारे घर से, इस घर से चली जाओ। और दोबारा जिंदगी में इस घर में कदम रखने की कभी हिम्मत मत करना।